हर आसमां मेरे हिस्से का सपनों भरा एक जहां है कहां आंख भर आसमां अगर अब एक लफ्ज भी आपकी जबान से निकला ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा आप पर, जबान खींच लूंगी आपकी। अपनी मिडवाइफरी अपने पास रखें और मुंह बंद करें अपना। जरूर मुंह बंद रखूंगी, लेकिन उस वक्त तक जब तक अलीना एक जीते जागते और सेहतमंद बच्चे को जन्म नहीं दे देती। शुक्रिया लीजिए चाय। अच्छा तुम अपना ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें फोन करूंगी, परेशान मत होना। और वैसे मैंने डॉक्टर फौजिया को भी फोन कर दिया, वो शाम तक आके तुम्हारा चेकअप कर लेंगे, आराम करो। मैंने खुद उमेर साहब की बीवी को सकीना बुड्ढी के कान भरते सुना है। ऐनी सकीना बुड्ढी से कह रही थी कि वजाहत साहब के सामने कह दें कि अलीना बीबी को खास दवाएं दी जा रही थी ताकि बच्चे की जान को खतरा आ जाए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई अम्मी। कदम कदम पे तुमसे ये भूल होती रही है नी। तुम्हारे शक ने मुझे अपनी नजरों से गिरा दिया है, जबकि ये शक मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। नहीं अम्मी नहीं, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मैं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं। जो खाओ अपने हाथ से, जो पियो अपने हाथ से, किसी की दी हुई चीज ना खाना ना पीना। सकीना भी ये सब कुछ आप क्यों कह रही हैं? पहला पहला बच्चा है ना बेटा, बहुत एहतियात की जरूरत है। क्या मैं इस घर में रहते हुए भी एनी के हाथ से कुछ नहीं खा सकती और वो हर आधे घंटे बाद कुछ लेके मेरे सर पर खड़ी हो जाती है? ये कैसा तजुर्बा है पापा? दुश्मनी मेरे साथ एनी ने की है और दुश्मन कोई और है। नहीं बेटा, एनी तुम्हारी बहन है। भाभियाँ बहनों की तरह ही होती है ना, मगर तुम इन मामलात में अपने जहन को मत उलझाओ, बस अपने आप को बिल्कुल इन बातों से अलग रखा करो, मत सोचा करो, ठीक है? ठीक है बाबा। एनी, मैं दुनिया का तो मुकाबला अकेले कर सकती हूँ, मगर तुम्हारी तरफ से मिला एक दुख भी मुझे जिंदगी से नफरत करने पर मजबूर कर देता है। प्लीज अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने आप पर शक किया। अम्मी, अगर आप मुझे माफ कर देंगी तो फिर मैं अपने अल्लाह से भी माफी मांग सकूंगी। माँ तो औलाद की हर गलती माफ कर देती है। तुम बस खुश रहो, अपने घर में आबाद रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अम्मी, अगर आपने मुझे दिल से माफ कर दिया ना तो फिर आपको मेरे साथ चलना होगा। पता नहीं अलीना की तबीयत बहुत खराब है, अगर आप नहीं जाएंगे तो मेरे और पापा क्या सोचेंगे? क्या आप अलीना को देखने तक नहीं आए? अनी प्लीज मुझे मजबूर मत करो, मैं नहीं जा सकती। आखिर क्यों अम्मी? अम्मी देखिए ना, अगर आप अलीना की अयालत के लिए आएंगे ना तो ससुराल में मेरा सर फखर से बुलंद हो जाएगा। अलीना को, उमेर को, पापा को एहसास होगा कि मेरा भी कोई मायका है, लावारिस नहीं हूं मैं। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान है, वो तुम्हें ऐसा एहसास कभी नहीं दिलाएंगे। लेकिन अम्मी अब तो आपने मेरे और उमेर के रिश्ते को भी दिल से कबूल कर लिया, फिर मेरे ससुराल आने में क्या कबाहत है? मैंने तो उमेर को उसी दिन तुम्हारे लिए दिल से कबूल कर लिया था जिस दिन पहली दफा मैंने उससे फोन पर बात की थी। अम्मी अगर उमेर को कबूल कर लिया है तो फिर उसके घर, बहन और उसके पापा को भी कबूल कर ले प्लीज। एनी प्लीज अम्मी, मेरी खातिर बताइए। पापा ने मुझे बाप का प्यार दिया, मगर आप अब इस तरह है। नहीं बस कर दो, देखो उमेर अकेला बैठा अच्छा नहीं लगता, चलो। तौबा तौबा बेगम साहिबा, रात में वो देख कर आई हूँ कि सारी रात मेरे पेट में दर्द होता रहा।
सोचा आपको उठाकर मैं बता दूं और पेट का दर्द हल्का कर लूं, लेकिन आपके खर्राटे तो बाहर तक आ रहे थे। अब कुछ बोलेगी भी या पेट को ही रोती रहेगी? बेगम साहिबा, वो बुढ़ी सकीना और वजाहत साहब अपनी अलीना बीबी को कह रहे थे कि ना तो किसी के हाथों कुछ खाए और ना ही पिए। क्या? हाँ जी, और आफरीन है अलीना बीबी पर कि उनका शक गया भी तो आप पर नहीं, उल्टा उमेर साहब की दुल्हन पर। अलीना का शक यकीन में बदल जाए, इसीलिए तो अलीना को वहाँ छोड़ रखा है मैंने। वो डॉक्टर फौजन ने क्या कहा, नाकाम दिखाएगी भी कि नहीं? क्यों नहीं दिखाएगी, 50,000 किस लिए लिए हैं उसने? अगर वो बुढ़ी सकीना ये काम खराब ना कर दे। नहीं, इस बार सकीना को मौका नहीं मिलेगा। तुम ऐसा करो, फ्रिज से वही फ्रूट ले जाओ अलीना की तरह, और सकीना भी से कहना कि फ्रेश जूस बना के पिलाए अलीना को इसका। जी ठीक है। तुम लोग रात बहुत देर से घर आए, खैर थी? जी पापा, वो अम्मी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से। क्या हुआ, डॉक्टर को दिखाया? जी, आप परेशान ना हो, अब काफी बेहतर हैं। अब्बा, मुझे लगता है कि आंटी अकेले रह रहकर अजियत पसंद हो गई है, खुद को तकलीफ देना उन्हें अच्छा लगने लगा है। क्या मतलब अकेले? अब्बा, मैं और रैनी उन्हें मजबूर करते रहे कि हमारे साथ चले, लेकिन उनके पास इनकार के सिवा कोई जवाब नहीं। तो क्या जरूरी है कि तुम उनसे ऐसी बात करो जिसका जवाब देना भी जरूरी हो? पापा, मेरे ठीक कह रहे हैं, अम्मी की जिंदगी अजीब उलझन का शिकार होकर रह गई, हर वक्त डर ही सहमी सी रहती है, उन्हें ऐसे लगता है जैसे उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मतलब अच्छी बात करनी चाहिए, अब तुम और मैं उनका ख्याल रखो, ठीक हो जाएंगे। ये ना जी, चहार बेगम ने भिजवाए कीनू और माल्टे। पापा जी, क्यों? भाई कह रही थी इसका ताजा जूस निकाल कर अलीना बीबी को पिला दे। क्यों, हमारे घर में फ्रूट्स नहीं है क्या? प्लीज उमेर, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि ये फल किचन में रख दो, मैं उन्हें जूस बनाकर दे दूंगी। उमेर, तुम्हें दफ्तर जरूर चले जाना, मुझे एक जरूरी काम है, शायद देर हो जाए। ठीक है। अब तो मेरे पास बस एक ही रास्ता रह गया, किसी तरह आज तो बहुत देर तक सोती रही। हाँ, आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। अच्छा, ये तुम जूस पियो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती। आंख भर आसमान